भवई तुम्हारी मां बिहारी दास तुम आवन हानवती तुम्हारे चरण कमल नन्ना तुम्हारे चरण कमल नन्ना तुम्हारे चरण कमल राजा भोजराज जी
मनोहर हरि मूर्ति के लिए श्री धाम वृंदावन में निधवन जी के मध्य श्री ललित भान देवाचार्य जी के पास आए, दंडवत प्रणाम करी। गप अपनी अभिलाष सब कही जोर जो पान, ललित भान सुखदान मृदु बोलो बचन सुजान। अपनी अभिलाषा कही, दंडवत प्रणाम करी। श्री ललित भान देवाचार्य जी महाराज कछु कहवे लगे, सुंदर वचन कहवे लगे। अभिलाषा क्या थी राजा के हृदय में, आप लोगों ने सुनी। रानियों के लिए सुंदर मनोहर हरि मूर्ति चाहिए, विग्रह स्वरूप चाहिए। मानसी भाव का चिंतन करती थी तीनों रानियां। उनकी इच्छा हुई कि अगर तुम ला सकते हो तो हमको जो है विग्रह लाइए, जिससे कि हम सहज भोग लगायो करें, पोशाक बदलो करें, शयन करो करें, सहज प्रगट सेवा में भी, जैसे मानसी सेवा में हम आरूढ़ रहती हैं, प्रगट सेवा में भी हम रहो करें। राजा ने स्वीकार किया, वचन दिया। कृपाराम जी के पास गए, गुरुदेव कृपाराम जी थे। उन्होंने फिर वृंदावन धाम के लिए श्री ललित भान देवाचार्य जी, जो कृपाराम जी के गुरुदेव थे, श्री निम्बार गद्दी पे और उस समय विराजमान श्री वृंदावन धाम में निधवन राज जी में थे। बोलो स्वामी जी महाराज। ये निम्बार भगवान से लेके और श्री ललित भान देवाचार्य जी महाराज की 24वीं गद्दी है। इस समय हमारे जो स्वामी जी की गद्दी टटिया स्थान के परंपरा अनुसार, इस समय जो है 81वीं गद्दी है। इस समय वर्तमान विराजमान महाराज जी हैं 81वीं गद्दी में। स्वामी हरदास जी महाराज विराजमान हुए वो 63वीं गद्दी में हुए। तो उनसे स्वामी हरदास जी महाराज से पहले यानी 24वीं गद्दी पे श्री निम्बार भगवान से लेके श्री ललित भान देवाचार्य जी महाराज विराजमान हुए। बोलो बिहारी जी। तो ललित भान देवाचार्य जी महाराज श्री धाम वृंदावन में निधवन राज्य में आप विराज थे। धन धन भोज राज जदुवंशी, धन तुम्हार महसी जनहंसी। गुरुजनों से रसिक जनों से हमने सुना और साहित्य में भी लिखा है कि श्री निधवान राज्य में आप विराजते थे, गुरुजनों से ये हमने सहज कृपा होते हुए उनसे श्रवण किया। धन धन भोज राज जदुवंशी, धन तुम्हार महसी जनहंसी। श्री ललितवान देवाचार्य जी प्रशंसा करने लगे, कौन की, श्री भोजराज जी की। धन धन भोजराज जदुवंशी, हे यदुवंशी, भोजराज जी तुम्हारे लिए धन्य है, तुम धन्यवाद के पात्र हो। धन तुम्हार महसी जनहंसी, महसी यानी तुम्हारी जो रानियां हैं वो भी धन्य है। धन धन कृपा राम गुरु जोरा, जिन तह दीन मंत्र प्रिय मोरा। और वो तुम्हारे गुरुदेव कृपा राम जी धन्य हैं, जिन्होंने मेरा मंत्र तुमको प्रदान किया। निरख निरख तब भक्ति अनुपा, मम प्रसन्न मन भारत रूपा। तुम्हारी भक्ति का अवलोकन करके और मुझे प्रसन्नता मिली है। गुरुजन कब प्रसन्न होते हैं, जब शिष्य के हृदय में भक्ति का प्रकाश होता है और जो भक्ति पथ पे आरूढ़ होता है तो गुरुजन प्रसन्न हो जाते हैं, स्वामी जी महाराज प्रसन्न हो जाते हैं।
और महाराज ढीला ढीला चलता है, भजन में भी मन नहीं है, जैसे तैसे चल रहा है, तो वो बात नहीं। ये जीवन बड़ा मुश्किल से मिला है। इस जीवन में एक एक क्षण, एक एक दिन, एक तत्परता से, तल्लीनता से बिहारी बिहारण के शरणार बिंदों में हमको स्वामी जी महाराज का सर्वोपर घराना प्राप्त हुआ, श्री अरदास नाम प्राप्त हुआ, हमसे बड़भागी कौन होगा। बस यही है, हमको अपना मन बिहारी बहन के शरणों में, श्री अरदास नाम जप में, वाणी पाठ में, सत्संग सुनने में बराबर लगा के रखना है। सारे काम इसी जीवन में, नित्य वस्तु इसी जीवन में बहुत जल्दी प्राप्त हो जाएगी, इसमें संशय नहीं है। इसमें मन लगते ही अनन्य भाव से समझना चाहिए कि वस्तु प्राप्त है। बोलो स्वामी जी। तो निरख निरख तव भक्ति अनुपा, मम प्रसन्न मन भार स्वरूपा। श्री राजन, तुम्हारी भक्ति का अवलोकन करके, तुम्हारे भक्ति स्वरूप को देख के मेरे मन में बड़ा उल्लास हुआ, प्रसन्नता हुआ। रूप रास सुखमा सुख राशि, मूरत मंज मनोहर वासी। रूप रास सुखमा सुख राशि, सुंदरता की, रूप की यानी सुंदरता की राशि स्वरूप, सुख राशि स्वरूप, मूर्ति मंज मनोहर, मंज हरि की मूर्ति के लिए जो तुम आयो ना, अब तुम देहु क्षिप्र ग्वाला। अब तुमको मैं ये मूर्ति जिसके लिए आयो, चिंता मत करो, अभी दूंगा तुमको। ताही बिलोकत मदन बिहाला, उस मूर्ति के दर्शन करते ही जो मदन सबको परास्त करता है वो भी मोहित हो जाएगा। बोलो बिहारी जी। अस कहे बैन लैन निज ढांकी, धरी और ध्यान सुतोत झांकी। ऐसा कह के श्री ललित भान देवाचार्य जी महाराज ने आंख बंद करी। अस के बैन नैन निज ढांकी, धरी और ध्यान सुतोत झांकी, और हृदय में ध्यान किया, और हृदय में जो है सहज भाव से झांकने लगी। कुंज मंज एक ताबिच प्यारे, रसिक बिहारी नाम निहारी। सुंदर कुंज है महाराज, वाक्य बीच में श्री निधवनराज जी में सुंदर कुंज है। श्री रसिक बिहारी जी महाराज के दर्शन हुए। बोलो बिहारी जू महाराज की। ललित भान आतुर उठ धाई, तुरंत ही ललित भान जी महाराज वहां से उठे और कुंज मंज में जो सुंदर कुंजों के बीच में मूर्ति के दर्शन भई, उसको तुरंत ही अपने अंक में ले लिया। ललित भान आतुर उठ धाई, बदन मयंक अंक भर ले आई, और जो है चंद्रमावत हरि का जो है मुख, ठाकुर का मुख है रसिक बिहारी जी महाराज का, और अंक भर लाए गोदी में भर के, और ललित भान देवाचार्य जी ले आए। जैसे श्री विट्ठल रुद्रदेव जी महाराज स्वामी जी महाराज की आज्ञा सुन श्री बांकी बिहारी जी महाराज को सहज अंक में भर के ले आए, उसी प्रकार ललित भान देवाचार्य जी महाराज पूर्व और रसिक बिहारी जी मूर्ति को सहज अंक में भर ले आए। नैन कमल खंजन मधुरंजन, नैन कमल खंजन मद गंजन, भौवे चाप चार मनोरंजन। नैन कमल कैसे हैं? खंजन पक्षी के नैनों को भी मात करने वाले, उसके मान मर्दन करने वाले। भौवे चाप चार मनोरंजन, भौवे धनुष के समान है और सुंदर जो है मन को सुख पहुंचाए वाली दर्शन मात्र से। श्रुति कुंडल कपोल कल छलके, और जो है कर्णों पे सुंदर कुंडल झलक रहे हैं, सुंदर कपोल जो है। कुंचित मंज मनोहर अलके,
अलकावली छिटक रही हैं। व्यास जी महाराज की नासा सुख ध्वज दाड़िम दम के, सुंदर जो है नासा है यानी नासिका, सुंदर नासिका है, तोता भी नासिका को देख के लज्जित रह जाए। ध्वज दाड़िम दम के और दंत पंक्ति बहुत सुंदर, ऐसे मानो जैसे अनार के दाने। अधर बिंब और मोती चमके और उनके श्री बिहार जी महाराज की, रसिक बिहार जी महाराज के जो अधर हैं, अधर बिंब फल भी जो है अपने आप को लज्जित मान लेता है। और मोती चमके वाहु विशाल श्याम तन शोभा, पीत निचोल निरख मन लोभा, सुंदर पीतांबर जो है धारण किए हुए हैं, सुंदर बाहु विशाल हैं, सुंदर तन की शोभा हो रही है। परम धर्म धन ललित भानुले, अति प्रसन्न भान पै दान दे। परम धर्मी श्री ललित भान जी महाराज अति प्रसन्नता से लेके ठाकुर को अपने अंक में और सहज जो है भोजराज जी के लिए दान में दे दिया। भ्रोगिहरी जी पाए सुमूरत आनंद पागी, अमित अपार भूप रति जागी। पाए सुमूरत आनंद पागी, राजा के हृदय में अति आनंद भड़ गया, अपार आनंद हो गया और ठाकुर के प्रति बहुत प्रेम जागृत हुआ राजा। ललित भान पद कमल तिलहे नमि नागर नामी, पाई निधीश महीश गमन कीनो अभिरामी। बार बार श्री ललित भान देवाचार्य जी महाराज के चरणों में प्रणाम किया, दंडवत करी और आज्ञा लेके राजा ने अपने राज्य के लिए गबन किया। रोगहरी जी जूनागढ़ में कृपा राम ढिंग जाय लिए सुख चरण सुहाई, सकल कथा कल कही नवल ठाकुर जिम पाई। आप जूनागढ़ के राजा थे उस समय, वही कृपाराम जी विराजते थे। रानी जो है तीनों की तीनों जूनागढ़ से चली गई थी और मूल द्वारिका में बास किया था उन्होंने, क्योंकि राजा ने मन हटा लिया था रानियों से, रानियों ने भी फिर हटा लिया, तो भक्तिमती थी रानी, भजन भावना में आरूढ़ रहती थी, इसलिए राजा को पसंद नहीं आया उनका इतना भजन भावना। पूर्व प्रसंग में बता चुके भक्तों के साथ ऐसा ही होता है करीब करीब, लेकिन बाद में जो सांची नाची और कांची लाची, जो सच्चे हैं वो नाच उठते हैं और जो कच्चे हैं वो लच जाते हैं थोड़ी परेशानी से। आचार्य मानदाव कह रहे हैं छिकर नचे बिन कौन की कीनी भक्ति सहाय, जब तक छिटक के नहीं निर्भय होकर अनन्य भाव से नहीं नाचते हैं, आगे उपासना में नहीं बढ़ते हैं, तब तक भक्ति सहायक नहीं होती है। बोलो बिहारी जी, क्योंकि सामान्य सी बात है, जब हीरा पन्ना जवाहरा सोना बहुमूल्य कोई वस्तु प्राप्त होती है तो लोहे को छोड़ना पड़ता है। अगर लोहे को छोड़ने में ही दुख मानता है प्राणी तो बहुमूल्य रत्न कैसे इसको प्राप्त हो। लोह पलटे हैं महारत बिना विमल विचार, अगर लोहे को नहीं छोड़ना है तो भैया जो बहुमूल्य रत्न है उनको हार जाओगे। वो असंख्य लोहा एक थोड़े से जो है बहुमूल्य रत्न में प्राप्त हो जाएगा, एक उदाहरण। इसलिए हमको लोहे की चिंता नहीं करनी है, हमको रत्नों की यानी हरि भक्ति की, बिहारी विहारी की, नित्य अनन्य सुख की, इसकी चिंता करनी है। हमेशा एक क्षण भी एक दिन भी हमेशा चिंतन में रहना चाहिए, तभी जीवन का लाभ है। और बहुत सौभाग्य हमारा तुम्हारा सबका, यहाँ वृंदावन धाम स्वामी जी महाराज ने कृपा कर दिए, पायो हरिधाम नाम और मेरी का चाहिए, और श्री वृंदावन धाम और मेरी का चाहिए। तो कृपा राम ढिंग जाय लिए सुट चरण सुहाई, सकल कथा कल कही नवल ना ठाकुर जिम पाई। कृपा राम जी के पास पहुंच गए श्री भोजराज जी,
शुद्ध चरण सुहाए। चरणों में पड़ गए, सकल कथा कल कही, नवल ठाकुर जिन पाई, सारी कथा बताई। ऐसे ऐसे जगजनन वृंदावन धाम में गयो, माँ श्री महाराज ने, लक्ष्मण देवाचार्य जी महाराज ने कृपा करी और मोकु ये ठाकुर प्रदान की। श्री गुरु सहित सुजान गई नृप मूल द्वारिका, राजत रानी तहा मनो वर सुखी सारिका। मूल द्वारिका के लिए प्रस्थान किया राजा ने एवं श्री गुरुदेव कृपा राम जी ने ठाकुर को लेके। कृपा राम गुरु भूप लिए ठाकुर को आई, आई आगे लेन बिबिल बिद मंगल ठाई। मालूम चल गया तीनों रानियों को कि हमारे गुरुदेव आ रहे हैं और नृप भोजराज आ रहे हैं, तो उनको जो है और ठाकुर संग ला रहे हैं सहज लेने के लिए आए। रसिक बिहारी पाए लगी तो आई आगे लेन विविध मंगल ठाई। और जहां भी वो जो है उपासना में रत थी वहां से आगे चल के ठाकुर को लेने आई प्रेम से भाव से, मंगल स्वरूप ठाकुर को और जो है मंगल गीत गाती गई ठाकुर को लेने आई। रसिक बिहारी पाए लगी सेवा बिच तीनों, मंदिर नवल बनाए राख तामे मन दीनों। रसिक बिहार जी महाराज की सेवा में तीनों की तीनों रानी जो है रह भी लगी और सुंदर मंदिर बनाया। जब त्याग्यो तन तृतीय पूर्ण जूनागढ़ आई, तो सुंदर सेवा में तीनों की तीनों रानी मानसी सेवा भी किया करें और प्रगट सेवा भी किया करें। बोलो बिहारी जी। जब त्याग्यो तन तृतीय पुनः जूनागढ़ आई, जूनागढ़ को भूप तास तनिया लख पाई। जब तीनों रानियों ने समय पाके शरीर छोड़ दिया, क्योंकि सबको जाना तो है एक न एक दिन, तो जब त्याग्यो तन तृतीय पुनः जूनागढ़ आए, तो अभी ठाकुर दोबारा से जूनागढ़ में आ गए। बोलो बिहारी जी। यानी जूनागढ़ से उरानी चली गई थी, अब जो है ठाकुर जूनागढ़ को आ गए जहां वो राजा राज करता था। तो जूनागढ़ को भूप तास तनिया लख पाई, तो उस समय जो जूनागढ़ का राजा था, क्योंकि पहले राजा तो जो है उम्र बहुत हो गई चले गए धाम को पधारे, अब जो अब इस समय बाद में जो राजा हुआ उसकी जो पुत्री थी वो बहुत भक्तिमती थी, तो उसकी सेवा में वो रहने लगी। बोलो बिहारी जी। तो जूनागढ़ को भूप तास तनिया लख पाए, तो जूनागढ़ का जो राजा था तनिया यानी उनकी पुत्री ने सेवा करी। प्रेमा कर उर विमल हर्ष सेवा बिच लागी, प्रेम से सेवा में लगी वो बेटी जूनागढ़ के राजा की। गढ़ चित तौर प्रसिद्ध भूप को ब्याही रागी, और वो बेटी चित्तौड़ के राजा के यहाँ ब्याही हुई। बेटी को तो बेचारी को कहीं कहीं जाना है, तो चित्तौड़ के राजा के यहाँ ब्याही गई जूनागढ़ की बेटी। रसिक बिहारी प्राण संग ले तिनको आई, और बिहारी जी की सेवा वही करती थी रसिक बिहारी जी महाराज की, उनको प्राण वत रखती थी। तो अपने पिताजी से राजा से और दहेज में ठाकुर को ही ले आई अपने संग। कर कर सेवा सरस दर्श आनंद अधिकाई, सहज भाव से सेवा की वो करे रसिक बिहारी जी महाराज की, आनंद में मगन। अकबर सहा सुजान संग नृप मान सिंह वर, चढ़े आई चित्तौड़ गई ठाकुर पुर। एक बार जो है राजा अकबर और मानसिंह चित्तौड़ पे इन्होंने चढ़ाई कर दी, तो चित्तौड़ पे चढ़ाई कर दी
तो फिर ठाकुर को उन्होंने डूंगरपुर भेज दिया। राजा महाराजाओं का ऐसा होता चलता रहता है। फिर ठाकुर को डूंगरपुर पहुंचा दिया। नृप माने कुल देव कीन रानी ने सेवा, राग भो नित विविध करत नहीं कबू सेवा। वहां के राजा ने, डूंगरपुर के राजा ने, और बहुत प्रकार से, बहुत भाव से ऋषि व्यास जी की सेवा करी और रानी ने भी सेवा करी। दोनों के दोनों राजा रानी सेवा में रहो करें। राग भोग नित विविध करत नहीं कब सेवा, भोग राग प्रेम से करते, किसी तरीके की कोई अंतर ही नहीं पड़ता। रसिक देव ये निकर कथा हरिते सुन पाई। प्रश्न किया कि महाराज ये कथा, पूर्व कथा ये कहां से सुनने को मिली कि डूंगरपुर गए को मार है कि ललतवान देवाचर जी रसिक बिहारी साहब, कि रसिक देव जी महाराज को ये सारी बात रसिक बिहारी जी ने बताई। बोलो बिहारी जी महाराज, रसिक बिहारी जी महाराज ने बताई रसिक देव जी महाराज को, नारदेव जी महाराज किसे सुंदर रसिक देव जी महाराज को, कि मैं जो है यहाँ वृंदावन में प्रकट भयो और मैं फिर जो है वहां जूनागढ़ की तीन जो है रानी वो मूल द्वारिका में वहां मेरी सेवा भई, प्रेम से वो फिर पधार गई। फिर मैं जो है जूनागढ़ आयो और फिर जो है चित्तौड़ आयो, चित्तौड़ से फिर डूंगरपुर गयो। ये सारा वृतांत रसिक बिहारी जी ने ही रसिक देव जी को बताया। बोलो बिहारी जी महाराज की। रसिक देव यह निकर कथा हरि ते सुन पाई, विपिन बास अविलास ये निज मुख से गाई। अब रसिक देव जी, मेरी इच्छा डूंगरपुर और जो है जूनागढ़ और वहां रहवे की ना है, मोह तुम जल्दी से जल्दी वृंदावन में बुलाए लो, अब मेरो मन मनना है लगे रहो। बोलो बिहारी जी महाराज की। ये ठाकुर ने कही सपने में, सपने उठ गए बेटे रसिकंते, सपने में बतराए लें, प्रकट में बतराए लें, उनको सब यह सहज जो है अनुसंग प्राप्त होता है। रसिकन की ऐसी लीला होती है। तो विपिन बास अभिलाषी है निज मुक्त हे गाई। तो हरि ने कही मुए वृंदावन में बसनो, मेरा को मन न लग रो। रसिक बिहारी लाल आपनी नित प्रतिरचना, रसिक देव सन कहत मधुर मृद मंजुल बचना। अब रसिक बिहारी रोजाना का पा रहे हैं, कहा भोग लग रहे, कैसे रह रहे हैं, सारी बातन ने और वहां डूंगरपुर की बातन ने यहाँ रोजाना के रोजाना रसिक बिहारी से बतराए करें, रसिक देव जी महाराज से बतराए करें, बातचीत किया करें। रसिक बिहारी की बरबानी रसिक सुनत हुल साथ, स्वप्ने को दे ऊट कहत नित शिष्य सुनत मुख मुशिक्यास। अब रसिक देव जी महाराज अपने शिष्यों से कहा करें कि अरे भैया, हमने आज सपने में ऐसे ऐसे बात सुनी है ठाकुर जी की, रसिक देव जी महाराज की, और फलानी फलानी जगह पर रसिक देव जी महाराज हैं और वो यहाँ वृंदावन आना चाह रहे हैं, और वो ऐसे आज ऐसे कहिए, कल ऐसे कही, रोजाना की बात हमने बताओ करें रसिक देव जी महाराज अपने शिष्यों को। अब शिष्य लोग को विश्वास न हो कि महाराज सपने की बात है ठीक है, पर यह थोड़ेंगे, ये बिल्कुल ही सांचिए का, ऐसा उनको विश्वास नहीं हुआ। कहे तो परस्पर मिलके सब ही ये सपने की बात, याते मन बिच आवत ना ही किम करिए विख्यात। हे महाराज, ये सपने की बात है, हमें विश्वास ना हो, और हम अगर विख्यात ही करें कि हाँ ठाकुर जी महाए और वो आएंगे, तो फिर हमारा और आपको उपहास होगा दुनिया में। इसलिए रसिक बिहारी जान लई रसिक देव के बहन, तिन बिच करत प्रतीत न को मानत सुपनो एन। अब रसिक बिहारी जी महाराज समझ गए कि रसिक देव जी महाराज मेरी बात को शिष्यों को बतावे हैं, लेकिन शिष्यों को विश्वास ना है रो, शिष्य ने विश्वास ना है रो। पुन प्रभु जू ने रसिक देव सन कही सुनो रसरास, उभय साधु पठवाए देव तुम तिन संग आम आस। फिर से रसिक बिहारी जी महाराज बोले, हे रसिक देव जी, तुम दो साधु भेजो और यहां डूंगरपुर, और मैं उनके संग बहुत जल्दी आऊंगा।
तुम दो साधु भेज दो। या प्रकार सुन प्रभु की बानी, साधु बुलाए दोई, दास नागरी द्वितीय सुदामा तिन संग बोले सोई। एक नागरी दास जी, एक सुदामा दास जी, दो साधुओं को बुलाया श्री रसिक देव जी महाराज ने। कही कि भैया मेरी बात सुनो तुम, कि हाँ महाराज जैसी आज्ञा बताओ। कि डूंगरपुर को जाओ, छिप्र तुम रहियो छिपे सुजान। तुम डूंगरपुर के लिए जाओ और वहां अपना प्रचार मत करना कि हम वृंदावन से आए। तुम छिपके कहीं एक आध रात गुजारो कर लियो, वहां कहीं न कहीं सो जाइयो दुकान पे जहां भी। तो डूंगरपुर को जाओ, छिप्र तुम रहियो छिपे सुजान। रसिक बिहारी आवेंगे संग मम सुबचन परमान। और रसिक बिहारी तुम्हारे साथ निश्चित आंगे, तुम चिंता मत करना। शासन पाए पाए पर दो परम प्रीत जुत संत। रसिक देव जी महाराज की आज्ञा पाए के दोनों संत और यहां से प्रस्थान करते हैं डूंगरपुर के लिए। डूंगरपुर को गए चतुर्वर आनंद को नहीं अंत। आए बाजार कियो तिन आसन भेदन दीनो काऊ। वह बाजार में, डूंगरपुर के बाजार में उन्होंने कहीं आसन लगा लिया एक जगह, किसी को बताया नहीं अपना परिचय। भेदन दीनो काऊ कि हम कहां से आए कैसे आए। तदंतर राजा सुम बोले रसिक बिहारी नाहु। श्री रसिक बिहारी जी महाराज और फिर राजा से कहने लगे, राजत रसिक देव वृंदावन मध्यवर के नहीं की शासन सो आई जन ध्याय के। तो रसिक बिहारी जी व राजा से कह रहे हैं कि राजा मेरी बात सुन ले, सपने में कह रहे हैं कि राजत रसिक दे वृंदावन मध्यवर तिन्ही की शासन सो आयोजन धाय के। एक महान रसिक संत रसिक देव जी महाराज वृंदावन में विराजे हैं, उन्हीं की आज्ञा से ये दोनों साधु यहां डूंगरपुर में मुल लेवे आए। आसन बाजार माए भेद को जाने नाही। और बाजार में उन्होंने आसन लगा लियो है और को उन्हें जाने ना है। तुम ही बुलाए बूझो प्रीत सरसाई के, और तुम जल्दी उन्हें बुलाओ, उनको स्वागत करो। मेरो मन जायवे को जई हो उन संग ले के। मेरो मन अब जायवे को यहां पे और उनके संग में जाऊंगो। मेरो यहां ना रहवे को मन वृंदावन में रहूंगो। दीजिए पठाए मोए भूप भक्त भाई के। और बड़े भाव के साथ में तू मुझे भेजियो, उनके संग विदा करियो और उनको स्वागत करियो। बात मेरी मान लीजिए होई गई अखंड सुख। अगर मेरी बात यह मान लेगो तो तेरे लिए बहुत सुख समृद्धि हो जाएगी, आनंद हो जाएगा तेरे हृदय में और तेरे राज्य में। और ना पर मैं देहूं दंड कही है बुझाए के, नहीं तो तू बहुत भारी दंड दूंगा फिर अगर मेरी बात नहीं मानी तो। बोलो बिहारी जी महाराज, रसिक बिहारी जी महाराज ने ऐसी बात सपने में राजा सो कही। राजा भक्त राज महाबानी प्रभु वानी मन, रानी को बुलाए पुन सपनों सुनायो है। अब राजा ने अपनी रानी को बुलाया और ये सपने की बात सुनाई कि ही रानी या प्रकार से मैंने सपने देखे। मानुष पठाए जाए लाए उभे संतन को, बूझ के प्रसंग और मोद उपजायो है। दो जो है कर्मचारी भेजे और उन संतों के पास, उन संतों को लाओ फलानी जगह पर, वो संत विराजे हैं। राख इतने को दिन कीनो सम्मान। दोनों संत आ गए, प्रेम से उनका सम्मान किया, प्रसाद पानी सब जो है रेवे की, कछु दिन रहे वो संत। राख तने को दिन कीनो सम्मान अति, साल की मंगाए हरिता में पधराए हैं। और फिर एक दिन चलवे की तैयारी करी और सुंदर पाल की सजवाई गई, बामे ठाकुर को विराजमान किया गयो और भी संघ कर्मचारी लोग भेजे गए ठाकुर को विदा कर भेज। नाना विध भेंट धरे दंपति प्रणाम कर, बहुत भेंट धरी ठाकुर के संग और संतन के लिए बहुत भेंट दी।
और दोनों राजा रानी ने प्रणाम करो। नानाविध भेट धरे दंपति प्रणाम कर, रसिक बिहारी जी को रत सो रिझायो है। रसिक बिहारी जी महाराज को बड़े प्रेम से लाल लड़ायो, प्रेम से रिझायो। सुंदर सुगर कहार बुलाई, रसिक बिहारी जान लगाई। सुंदर दूत यानी कहार चार, कहार बुलाए सुगर भक्त कोटि के, और रसिक बिहारी जी की पालकी में चार कहार लगाई। पाए निदेश महीपत प्यारू, लेकर चलो पालकी चारू। और सुंदर पालकी को लेके और जो है कहार चलवे लगी। असुवारी और पदचर आछे संग चलाई, आगे पाछे बहुत सी असुवारी और पैदल वाले भी, आगे पाछे और भी बहुत जन चल रहे हैं, और बीच में रसिक बिहारी जी को लेके कहार चल रहे हैं पालकी। लीनो सकल बुलाए समाजा, आप चला पहुंचा वन राजा। बस और भी समाज बुलाया, और प्रेम से स्वयं राजा रानी भी उनको पहुंचाने के लिए आए। कछ को दूर आयो अनुरागी, बोलो जुगल संत हित लागी। कछ दूर तक, काफी दूर तक आए, फिर संत बोले दोनों के हे राजा, अब तुम जो है अधिक दूर आयो आधीसा, अब तुम जाओ सुमिर जगदीसा। अब तुम वापस चले जाओ, बहुत दूर आए गए हो तुम, और जो है काऊ बात की चिंता मत करो, ठाकुर तुमको हमेशा प्रसन्न रखेंगे। दोनों संतों ने राजा से कहा। तब प्रतीत्वर प्रीत सुहाई, भक्ति अनेक प्रकार दिखाई। रसिक देव वृंदावन माही, तिन सन कहीं जाय मित नाही। हे राजन, तुम जो है लौट जाओ, और हम तुम्हारी सारी वार्ता, तुम्हारा स्नेह, तुम्हारी भक्ति भाव को हम जो है श्री रसिक देव जी महाराज से कहेंगे कि ऐसे राजा थे, उन्होंने इतना संतों का सबका स्वागत किया, ठाकुर के लिए भेंट दई। रसिक देव वृंदावन माही, तिन सन कहें जाए मितना। सुन सुन संत की वरवानी, सरस मही पत मत हरसानी। संतों की वार्ता को सुनते और राजा बड़ा प्रसन्न हुआ। बोलो मधुर मनोहर देना, सुनो संत आनंद देना। हे संत जनो मेरी बात सुनो थोड़ी सी, स्वामी रसिक देव सन मेरी, कहियो जायत नाम घनेरी। मेरी तरफ से सत सत प्रणाम, श्री रसिक देव जी महाराज के चरणों में करना। मोहे अपनों निज किंकर जानी, करत रहे करुणा सुख सानी। मुंह अपनो निजी दास समझ के मुंह पे जो कृपा करते रहे। अस कह भेंट राख सिर नावा, मांगे विदा निज सदन से धावा। अब श्री रसिक देव जी महाराज के लिए और भेंट रखे कि महाराज के लिए भेंट करियो, और बार बार संतों के चरणों में सिर नवाया और विदा मांगी। मन बच काय रीत नृप कैसी, बार विहीन मीन गत जैसी। मन से वचन से कर्म से राजा ने बहुत भक्ति की विशेष भावना युक्त रीति निभाई, और ऐसा लगा राजा को जैसे कि मछली को पानी से अलग किया जाए। तो रसिक बिहारी एवं संतों से अलग हो रहे हैं ना राजा, तो अपने मन में जो है दुखी हो रहे हैं। सज्जन सकल विकल तें देखी, कीन प्रबोध बिलास विशेखी। सज्जन सकल विकल तें देखी, सज्जनों ने जो भी सज्जन ब्रह्म साथ में थे, राजा को बहुत विकल देखा। कीन प्रबोध बिलास विशेखी, राजा को समझाया कि हे राजन, ठाकुर कहीं गए ना है, तुम्हारे संग ही हैं, तुम भावना करोगे तुम्हारे संग है, और रसिक देव जी महाराज की तुम पर बहुत कृपा होगी, वो महान सिद्ध हैं, तुम चिंता मत करो। जपत नाम गुण ग्राम श्याम के, गासो मन दुख दमन दाम के। रसिक बिहारी रसिक सनेहू, सुमिरत
और अनस आनंद गेहूं। अब तुम रसिक बिहारी जी का नाम, रसिक देव जी महाराज का नाम, श्री धाम वृंदावन का नाम स्मरण करते हुए अपने महलों में, अपने राज्य में आनंद से रहो, कोई चिंता मत करो। बोलो बिहारी जी महाराज। डूंगरपुर ते गमन कर बसे ग्राम जे श्याम, रसिक देव सन ताही को कहो नाम अभिराम। बोलो बिहारी जी महाराज। डूंगरपुर से श्री रसिक बिहारी जी महाराज चलते चलते और भी बहुत जगह ग्रामों में रुके, तो काफी दूर है वहां से वृंदावन जी, तो पैदल, पहले ऐसे वाहन कोई नहीं थे, अधिकांश पैदल ही चला करते थे। रसिक देव सन ताई को कहो नाम अभिराम। रसिक देव जी महाराज रोजाना की बात कि हे रसिक देव जी, हम अब या गांव में आए गए, यहाँ ये स्वागत भयो, या भक्त ने ये स्वागत कियो, सारी बात और रसिक देव से बता दो करें। रसिक देव जी महाराज से तीन दिन दिन प्रतिकर कूच मुकामू, दिन दिन की सेवा अभिराम। और जो है बराबर जो है आगे रास्ता में बढ़ते चले आ रहे हैं, और दिन दिन की सेवा अभिराम। जा दिन जो भोजन कछु करें, रसिक देव सन सोई उच्च रहें। जो भी भोजन करें, कोई भोग लगा रहे भक्त, बस सब बातें बता में कि आज तो मैंने ये पायो है, वाह भक्त ने ये भोग लगायो। बोलो बिहारी जी, इसका मतलब क्या है? इन प्रसंगों से हमको ये लेना है कि ठाकुर का हम जो भोग लगाते हैं ना, ऐसे नहीं माने कि ये तो खाते ही नहीं है, स्वीकार करते हैं। वो घटता क्यों नहीं है? एक सामान्य जीव के खाने से वस्तु घटती है, ठाकुर के प्रसाद पाने से तो बढ़ती है, स्वाद विशेष हो जाता है। बोलो बिहारी जी महाराज, देखा है तुमने अनुभव करके कि कभी कभी भंडारा और सेवा होती है, थोड़ा सामान बनता है, बहुत लोगों के लिए हो जाता है, और प्रसाद में जो उसमें स्वाद विशेष हो जाता है। ये तो ये भोग लगे का प्रमाण। तो जा दिन जो भोजन कछु करहिं, रसिक देव सन सोई उच्च रहीं। तो चाहे कुटिया में छोटे ठाकुर हो, छवि के रूप में हो, चाहे विशेष भावक ग्राही जनार्दन, ठाकुर भाव के भूखे हैं, तो सहज भाव से प्रसन्न होने वाले होते हैं। इसलिए सहज प्रगट सेवा में रत रहना चाहिए और मानसी चिंतन अवश्य करना चाहिए, प्रगट सेवा भी और मानसी चिंतन। जा दिन जो भोजन कछु करहिं, रसिक देव सन सोई उच्च रहीं। रसिक देव शिष्यन सन कहीं, शिष्य जान सुपनों चुप रहीं। रसिक देव जी महाराज सहज शिष्यों से बखान किया करें कि अरे भैया, आज मेरे रसिक बिहारी जी महाराज फलाने ग्राम में आए गए हैं। अब शिष्य पढ़कर सुन के चुप रह जाए करें, सपने की बात समझ के सांच नहीं माने। रसिक देव जो जो कछु भाखें, उदय राम सब ही लिख राखें। एक उदय राम भगत जी वृक्त संत नहीं थे, लेकिन रसिक देव जी महाराज के चरणों में अनन्य निष्ठा थी। वो चुपचाप लिख लियो करें कि महाराज जो कह रहे कहा है, इनको लिख लूं, आगे मिलान करेंगे। अगर रसिक बिहारी आ जाएंगे जैसे कह रहे हैं महाराज, तो आगे मिलान करेंगे, फिर सबको बताएंगे, देखो महाराज सत्य कह रहे थे। बोलो बिहारी जी महाराज। रसिक बिहारी लाल गिर गोवर्धन आय के, कीनो बास कृपाल रसिक देव सो सो कहो। अब चलते चलाते रसिक बिहारी महाराज गिर गोवर्धन में आ गए, और रसिक देव जी महाराज को सूचना दे दी, हम अब जो है गोवर्धन में आ चुके हैं। बोलो बिहारी जी महाराज। रसिक बिहारी प्यारी सुन के सुबानी चार, स्वामी से रसिक देव आनंद उमंग सो। अब रसिक बिहारी जी महाराज की वाणी सुन के बड़े आनंद में भर गए रसिक देव जी। ले ले अभिराम, ले ले अभिराम नाम लिए बुलाए शिष्य, तिनको निदेश दई प्रीत
रस रंग सो। अब शिष्यन को नाम ले लेके बुलायो और बतायो कि भैया तुम ऐसो है आय काली मोहन सुवास कीनो गोवर्धन आवत है आज प्रिय करुणा अवंग सो। आय काले मोहन सुवास कीनो गोवर्धन, कल गोवर्धन में ठाकुर जी आ चुके हैं रसिक बिहारी जी, और अब गोवर्धन से चले आ रहे हैं, तुम जल्दी तैयार रह जाओ। शिष्यों कल आवत हैं आज प्रिय करुणा अवंशो, आज आ रहे हैं ठाकुर। बाजे हु बजावतो गावत सरस गीत, नीत को ले आइए जो मिल सतसंग सो। तुम जो है गाजे बाजे के साथ में ठाकुर जी को यहाँ लेवा के लाओ प्रेम से, सब लोग जाओ। श्री गुरु के वचन अनूप सुन शिष्य सब, हाथ जोर जोर बोले बोलन सुहाई है। दीनो है निर्देशता में कीनो है प्रतीत हम, तदपि हमारे उर शंका ये आई है। बाजे हु बजा में और गा में गीत नाना विधि, मंगल समूह साजे साधु समुदाय है। सुपने की बात है न होए जो पे सांची प्रभु, होएगी अनेक भांत लोक में हसाइए। गुरु बिहारी जी महाराज, हे महाराज हमारी प्रार्थना है, हाथ जोड़ के प्रार्थना है, आपने जो आज्ञा करी है हमको विश्वास भी है ऐसे आपकी आज्ञा में, ये बात नहीं विश्वास नहीं है, लेकिन महाराज ये सपने की बात है। तदपि हमारी ओर शंका ही आई है, इसलिए शंका ये सपने की बात है। बाजे हु बजामे और गा में गीत नाना बित, हम बाजू